हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2KS ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, जिसके अंदर हम कुछ थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि ग्रीन थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि ग्रीन थ्योरम के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम बात करेंगे स्टोक थ्योरम की। हम एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस टू एक्स वाई जे कैप टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू b। मतलब देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, भले से वो अगर वो इंटीग्रेशन का, वेक्टर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम थ्योरम वोरम बात की चीज़ है, सबसे पहला काम होता है उसका डायग्राम बनाना, उसका कर्व बनाना। ठीक है, चलिए इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमको स्टोक थ्योरम वेरीफाई करनी है, उसमें हमको f दिया हुआ है हमको। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना है हमें, जिसकी लाइनें है एक्स इक्वल टू प्लस ए माइनस ए, वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू बी। मतलब अगर इसको हम ड्रॉ करें, इसको हम एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ होगा, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर इस पर इसको ड्रॉ करना चाहे तो एक्स इक्वल टू प्लस ए, मतलब मान लेते ये कहीं ए है, तो प्लस ए क्या हो गया, ये हो गई लाइन। ठीक है, फिर बोल रहा है एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए यहां पर कहीं होगा, तो ये हो गई माइनस ए की लाइन। फिर बोलता है वाई इक्वल टू जीरो, मतलब कि वाई इक्वल टू जीरो मतलब कि ये लाइन हो गई हमारी एक्स एक्सिस हो गई। और फिर बोला है y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी पॉजिटिव है, मतलब कि कहीं यहां पर आएगा y इक्वल टू बी। तो मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए, इसको हम अगर नेमिंग कर दे तो इसको बोल देते a b c और d। ठीक है, ये हमारा मिल गया रेक्टेंगल a b c d, ये हमारा रेक्टेंगल है और हमको इसके ऊपर जो है हमको स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। इसमें हमको f दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस टू एक्स वाई जे कैप। ठीक है, अब जब हमको हमारा कर्व मिल गया तो अब हम स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर पाएंगे। हम जानते हैं स्टोक्स थ्योरम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम का हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर f dr इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल वेक्टर f n कैप ds। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमको अगर इस स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो हम पहले सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद में हम फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। और फिर हमको दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टोक थ्योरम वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आता है ये कर्व का है, मतलब कि ये लाइन इंटीग्रल बताता है, ये डबल इंटीग्रेशन बताता है कि सरफेस इंटीग्रेशन। तो मतलब कि इसी कर्व का पहले हमें लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसी कर्व का बाद में हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर लाइन इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हम लाइन इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर चार लाइन है, एक दो तीन चार, मतलब कि अगर हम पहले LHS लें, इंटीग्रेशन ऑफ f dr करें, तो यहाँ पर कर्व आ रहा है, इसको मान लेते हैं कर्व c1, इसको मान लेते हैं c2, इस लाइन को मान लेते हैं c3 और इस लाइन को मान लेते हैं c4। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c1 f dr प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c2 f dr प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c4 करो। ठीक है, तो ये हमारे को इसका मतलब ये हुआ कि हमको चार इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, पहला c1 पे, दूसरा c2 लाइन पे, तीसरा c3 पे और चौथा c4 पे। ठीक है, तो चलिए इसके इंटीग्रेशन करते हैं चारों को। अब देखो
एफ सब में सेम है। अगर बात करें C1 की हम, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ C1 की बात करें, ठीक है, तो C1 में हमारी जो लिमिट्स है, उस लिमिट्स के पहले एक चीज देख लेते हैं हम, C1 x² + y² i कैप, उसके पहले एक चीज है, चलो कर लेते उसको पूरा हम i कैप। एक काम करते हैं, डायरेक्ट पूरे f को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में इसको पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो सबसे पहले FDR सब में कॉमन दिख रहा है, FDR सब में कॉमन है, FDR हमको f हमको दिया है, क्या f हमको दिया हुआ है x² + y² i कैप -2xy j कैप। DR जैसा कि हम जानते हैं, DR होता है, हमने पढ़ा था, क्या होता है DR? DR हमारा होता है प्लस dx dy j कैप। मतलब कि हमें f का और dr का, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा FDR हो जाएगा x² + y² i कैप -2xy j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा dx i कैप + dy j कैप के साथ में। तो देखो dx x² + y² को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चलो एक काम करके डिफ्रेंशिएट करना रहने तो इसको हम पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये हो जाएगा x² + y² dx -2xy dy, ये मिल गया हमें FDR। अब ये हमें इन चारों में पुट करना है, तो चलिए इनको हम चारों में पुट करते हैं, पर उसके पहले हम एक चीज देख लेते हैं, जैसा कि कर्व C1 की अगर बात करें, C1 मतलब कि ये कर्व है, इस कर्व में हमें क्लियर दिख रहा है कि y 0 है, अगर y 0 होगा तो dy भी 0 होगा, ठीक है, अगर y 0 होगा तो dy भी 0 होगा, x की तो x जो है वो वेरी कर रहा है माइनस a से प्लस a की ओर, x वेरी कर रहा है माइनस a से प्लस a को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें C2 की, C2 मतलब कि ये वाला कर्व, तो इसमें एक चीज क्लियर दिख रही है कि x होगा a, x अगर a होगा तो dx क्या हो जाएगा, dx हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन 0 होता है। y की लिमिट वेरी कर रही है कहां से कहां तक, y की लिमिट वेरी कर रही है इस लाइन पे 0 से a कहां तक, b तक कर रही है, ये बी है लाइन, तो y हो गया हमारा 0 to b। C2 कर्व की, C3 कर्व की बात करें, यहीं पर कर लेते हैं हम, C3 कर्व मतलब कि ये वाला कर्व हो गया, इसके अंदर y क्लियर है हमको, y हो रहा है b, y अगर b है तो b कांस्टेंट है, dy हमारा हो जाएगा 0। x की बात करें तो x हमारी लिमिट वेरी कर रही है माइनस a से प्लस a की ओर। अब देखो इसमें भी एक चीज है, ठीक है, हम जब वेक्टर की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्शन के लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, मतलब कि हम कुछ इस टाइप से चलाते हैं, इस टाइप से हम ये लेफ्ट हैंड को हमने यहाँ पे रखा, थंब को हमने ऐसे चलाएंगे हम, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी चलेगी डायरेक्शन इसकी, देखो इधर ये हमने लेफ्ट हैंड थंब रखा हमने यहाँ पे, और ये हमारा कारो पूरा हाथ ऐसे जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ कैसी हो रही है, ये इस टाइप की डायरेक्शन हमारी चल रही है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस ए से प्लस ए की लिमिट हो गई, यहाँ से यहाँ गया नीचे से ऊपर गया फिर, तो 0 से हमारा क्या हो गया, बी हो गया, फिर आ जाएगा इधर से इधर,
यहाँ पर है ए, यहाँ पर है माइनस ए। इस बार हमें लिमिट मिलेगी कहाँ से कहाँ तक की, ए से माइनस ए की लिमिट मिलेगी। ये लिमिट तो हमें मिलेगी, ये मिलेगी ए प्लस ए से माइनस ए की मिलेगी, ठीक है। सी फोर की बात करें अगर हम, तो सी फोर मतलब कि ऊपर से डाउन टू बॉटम जा रहा है। यहाँ पर हमको ए के लिए एक्स क्लियर है, एक्स ही हमारा माइनस ए। अगर एक्स माइनस ए होगा इसका मतलब कि डी एक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। वाई की लिमिट वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस सॉरी बी से जीरो तक, बी से जीरो तक वाई की लिमिट वेरी करेगी, ठीक है। क्या हमको इन चारों की लिमिट मिल गई। अब चलो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे हम। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर इक्वल टू, अब देखो सी वन कर्व के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सी वन कर्व के लिए लिमिट आ गई मेरी माइनस ए से प्लस ए, मैं पुट करूंगा अब ये वाली पूरी वैल्यू। अब देखो इस वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूँ पूरा में, तो डी वाई जीरो है मेरा, डी वाई जीरो है मतलब कि ये वाला पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा मेरा, वाई जीरो है मतलब कि ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो सिर्फ मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। वापस से बताता हूँ मैं, देखो हमको सारी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, ठीक है। सी वन कर्व के लिए कर रहा हूँ मैं, सी वन कर्व के लिए डी वाई मेरा जीरो है मतलब कि डी वाई ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा हट जाएगा। वाई जीरो है मतलब कि ये भी हट जाएगा, बचेगा मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो मैंने एक्स स्क्वायर और डी एक्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस। अब बात करेंगे हम सी टू कर्व की, तो सी टू कर्व के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, सी टू कर्व के लिए लिमिट हमने निकाली थी जीरो से बी, ठीक है। अब इसमें डी एक्स जीरो है मतलब कि ये वाला पूरा पोर्शन, डी एक्स अगर जीरो है तो ये डी एक्स जीरो हो गया मतलब ये वाला पूरा पोर्शन हट जाएगा, ये पूरा पोर्शन हमारा हट गया, ठीक है। बचा ये सिर्फ हमारे पास, इसमें भी हमको एक चीज गिवन है कि एक्स है ए मतलब कि यहाँ पर एक्स की जगह पर आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का टू ए वाई डी वाई, क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस टू ए वाई डी वाई। इसमें थोड़ी सी, तो इसको हम लिख देंगे माइनस टू ए वाई डी वाई। अब बात करें कर्व थ्री की प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी थ्री की बात करेंगे हम। यहाँ पर हमको लिमिट दी हुई है प्लस ए से माइनस ए, तो हमने लिख ली ए प्लस ए से माइनस ए की लिमिट है हमारी। इसमें डी वाई जीरो है मतलब कि ये वाला पूरा पोर्शन फिर से जीरो हो जाएगा हमारा, डी वाई जीरो मतलब ये जीरो हो गया मतलब ये पोर्शन जीरो हो गया। वाई है बी, वाई बी है मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। फोर्थ कर्व की बात करें हम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फोर्थ कर्व कौन सा है हमारा, सी फोर है। यहाँ पर हमको दी है, दिया हुआ है लिमिट वेरी करती है बी से जीरो तक, ये हमने लिमिट लिख दी बी से जीरो। डी एक्स हमको जीरो दिया है मतलब कि ये वाला पोर्शन पूरा हमें जीरो हो जाएगा पूरा, डी एक्स जीरो, एक्स की लिमिट दी एक्स दिया है माइनस ए मतलब कि यहाँ पर माइनस ए रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा टू ए वाई ओनली टू ए वाई डी वाई, ठीक है। तो ये हमने चारों को निकाल लिया, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे चारों को अलग अलग। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसे हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय थ्री, लिमिट हो जाएगी माइनस ए से प्लस ए, प्लस माइनस टू ए वाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस का टू ए वाई स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट हो जाएगी जीरो से बी तक, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा बी स्क्वायर एक्स,
लिमिट हो जाएगी ए से माइनस ए तक, प्लस 2ay का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का होगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 2ay स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट हो जाएगी b से जीरो। ठीक है, अब आई थिंक इसके आगे वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा आएगा, ये मिलेगा, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे पूरी सॉल्व करेंगे काटापिटी करेंगे तो हमको आखिरी में मिलेगा माइनस फोर ए बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस फोर ए बी स्क्वायर हमें मिलेगा, किससे मिला हमको, ये सिर्फ LHS मिला है, अगले लेक्चर में हम देखें इसको RHS निकालेंगे हम और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, स्क्रीन पॉज करके आप चाहे तो इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इसे भी पूरा नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, मैंने क्योंकि दोनों तरीके से आपको करके बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है ना, इसका सॉल्यूशन रहेगा ये। अगले लेक्चर में हम इसका RHS राइट हैंड साइड वाला पार्ट पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये हमने अभी हमने ये पूरा कर्व का इंटीग्रेशन करा था, लाइन इंटीग्रेशन करा था, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।